हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए जैसे कि हमने टेक्निकल सीरीज शुरू करी है जिसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी निकाल दिए जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड और दूसरे वीडियो में हमने बात करी थी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बट अब ये तीसरी वीडियो आ रही है टेक्निकल की जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे पहली बात और जिसमें हम सीखने वाले सीक्रेट ट्रेंड लाइन एज वेल एज हॉरिजोंटल लाइन आपने देखा होगा मेरी वीडियो में या और किसी की वीडियो में या कहीं भी जिस जो भी टेक्निकल आपको सिखाता होगा तो आपने देखा होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी चार्ट में खींची जाती है या फिर आपने देखा होगा कि एक सीक्रेट ट्रेंड लाइन जो कि मैं भी चार्ट पर भी दिखाऊंगा वो किस तरीके से खींची जाती है ओके वो, वो एक सीक्रेट ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पर खींच के दिखाई जाती है तो वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्यों क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्यों आप सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा शेयर बट वहां पर ना जाके नीचे आ जाता है या ब्रेकआउट आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया बट ब्रेकआउट नहीं होता एक्चुअली वो फेक ब्रेकआउट होता है और वहां से आपको पता चलता है कि हम ऊपर के लेवल पे फंस गए तो ये सीक्रेट ट्रेंड लाइन जो मैं आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है फॉल्स ब्रेकआउट में एज वेल एज़ कि आप यहाँ पर ऊपर के लेवल पे ना फंसे जब भी आप देखते हैं कि निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में मैं यहाँ पर लाइंस खींच के रखता हूँ या फिर हम किसी भी चार्ट में लाइंस खींच के रखते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उसी को टच करके नीचे आ जाता है तो देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये चीज़ सिखाते होंगे बट ये एक यूनिक चीज़ है आपको फ्री में सिखाई जा रही है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बार अगर इससे सीख लिया और बहुत आसान है दो मिनट लगेंगे मुझे सिखाने में और चार्ट में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ यहीं पर से ही चीजें ऊपर जाती है टच करती है नीचे आती है या फिर यहीं से ही टच करके ऊपर चली जाती है ब्रेकआउट देती है ब्रेकडाउन देती है या वहां टच करके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर चलती हुई नजर आती है तो इसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़ू दो चीजें आज कहना चाहूंगा कि हमने एक चैनल और यहाँ पर ऐड किया है ओके यहाँ पर बनाया है आप लोगों के लिए जहाँ पर हम केबल और केबल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से है वो वीडियो का जो हमारे चैनल का नाम है वो ट्रेडिंग दिल से है जहाँ पर दिल से हम ट्रेडिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेडिंग की टिप्स तो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ बट वहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक्स

बेल आइकन को हिट कर लीजिए लाइक करिए करिए कमेंट करीग, और जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करिए तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले आज हॉरिज़ॉन्टल लाइन और सीक्रेट नाइन लाइन चार्ट पे किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे बट इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा हमारे चैनल की तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड प्ले लिस्ट जहाँ पर मैंने दोनों सपोर्ट और रजिस्टरेंस और ट्रेंड सीक्रे ट्रेंड लाइन किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वो आपको दिख जाएगी और तीसरी वीडियो जो आज हमारी आ रही है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हॉरिजोंटल लाइन और सीक्रेट ट्रेंड लाइन ये आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी तो जाके देख लीजिएगा इसके अलावा हमने जो अभी चैनल बनाया था ट्रेडिंग दिल से ये चैनल में अभी तक कोई वीडियो हमने डाली नहीं है आज से यहाँ पर वीडियो आ जाएगी ब्रेकआउट स्टॉक तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके okay, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर हमारी हमने लाइन खींच रखी है ओके लाइन किस तरीके खींचते हैं वो मैंने आपको बता रखी है बट यहाँ पर देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है यहाँ पर देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताने वाला हूँ तो आपको करना क्या है पहले मैं कोई भी एक नया चार्ट ले ले लेता हूँ ओके okay, जहां पर मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इससे पहले भी हमने देखिए ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर टच किया टच करके नीचे आ गया यहीं पर ही टच करके नीचे क्यों आया और हमने देखिए इस सबसे पहले ही इससे पहले यहाँ पर टच करने से पहले ही हमने ये लाइन खींच रखी थी और इसी लाइन से देखिए ऊपर की तरफ जाके ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया और याद रखिए जब हम ये मार्केट गिरा था इसी लाइन से नीचे गिरा नीचे गिर के यहाँ पर ऊपर आता हुआ दिखाई दिया तो ये लाइन हमें खींचनी किस तरीके से है हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो यहाँ पर उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं एक एक चार्ट हम ओपन कर लेते हैं देखिए ये चार्ट ओपन हो गया इसमें किसी भी तरीके की हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर अभी तक नहीं खींच रखी है आ, ओके हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच रखी है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को किस तरीके से खींचेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर हम ये चार्ट पैटर्न ओपन हुआ है कैंडल स्टिक ओके हमें जाना है किस पे लाइन लाइन चार्ट पे हमें जाना है लाइन चार्ट पे हम चले जाएंगे और लाइन चार्ट पे ओके जाने के बाद जितने भी शार्प वी दिख रहे हैं शार्प वी का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए चार्ट में ये देखिए ये एक वी दिख रहा है ओके जितना बड़ा वी हो या छोटा वी हो जिस तरीके से ये शार्प वी ऊपर हो या नीचे हो इस तरीके जितने भी ये शार्प वी दिख रहे हैं ओके ये यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन खींच सकते हैं जितने भी ये दिख रहे हैं शार्प जितना शार्प होगा उतना अच्छा यहाँ होगा अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये खींची हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है हमें तो यहाँ पर देखिए ये लाइन हमने यहाँ पर खींच दी ओके

ओके okay, इसके अलावा बात करें एक ये भी शार्प भी नजर आता है ओके okay, तो ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे क्या है शार्प शार्प भी है और इसी के थ्रू हम यहाँ पर क्या खींचते हुए नजर आते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ओपन खींचते हुए नजर आते हैं अब देखिए चीजें गिरती हुई नजर आई ओके नीचे आई और यहाँ पर देखिए इसी लाइन अब देखिए अब क्या होता हुआ नजर आएगा अभी हमें ऊपर के बारे में नहीं पता अब कभी भी देखिए हमने नीचे लाइन तो खींच दी नीचे पर दे रखा था अब ऊपर ऊपर की बात करते कि कैसे लाइन लाइन चार्ट चार्ट पे गए। चार्ट पे गए जाने के बाद ये देखिए अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट कहा से बनता हुआ नजर आ रहा है एक शार्प भी यहाँ बन रहा है ओके तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी हम्म ये देखिए तो देखिए यहाँ पर एक बार शार्प भी बना एक शार्प भी यहाँ बना इसके बाद छोटा सा यहाँ पर भी टच हो रहा है शार्प भी एक यहाँ टच हो रहा है तो यहाँ पर देखिए अगर चीजें गई तो हो सकता है कि यहाँ पर टच करके नीचे आ जाए या यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए और शार्प भी ऊपर के लेवल पे खींचना है तो देखिए इसके ऊपर लाइन कौन सी है इसके ऊपर लाइन ये वाली है ओके हो सकता है कि यहाँ पर से जाके टच होकर नीचे आ जाए ओके तो यहाँ पर भी जा ये अगर इसे क्रॉस किया तो इसके बाद ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट ये बना हुआ है अब और भी शर्त भी हम देख ढूंढ सकते हैं और उसके बेसिस पे हम हम जान सकते हैं कि अगर मार्केट इन लाइनों को ओपन करके ऊपर की तरफ गई तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल मिलते हुए नजर आएगा और ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा तो देखिए मार्केट ये एयू स्मॉल बैंक ओके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर इन लाइनों को ओपन करके और मेन कौन सी लाइन इस लाइन को अगर ये ऊपर क्रॉस uh, करके चली जाती है ओके okay, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके चली जाती है तो यहाँ पर जाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी की सारी लाइंस देखी जाती है इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट पहचाने जाते हैं इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि चीजें कहाँ पर आके रुकेगी कहाँ पर आके नीचे जब गिर सकती है तो ये लाइन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है और कैसे निकालते हैं लाइन चार्ट पे जाके ओके जितने भी शार्प भी होते हैं उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर कहाँ पर जाके रजिस्टेंस बन रहा है कहाँ पर जाके सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट रजिस्टेंस किस तरीके से बनता है एक ये तरीका है और दूसरा तरीका कौन सा है दूसरा तरीका उसके एडजस्ट जैसे होता है वहाँ पर हम खींच लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी लाइन चार्ट नहीं खींचा बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी रुका था पर भी रुका था तो या, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो मार्केट में तेजी होती हुई नजर आएगी इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अब बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं सीक्रेट ट्रेंड लाइन की अभी तक आपने निफ्टी फिफ्टी में देखा ओके निफ्टी -50 में हमने यहाँ पर एक लाइन खींची थी ओके लाइन खींचने का बाद ट्रेंड लाइन खींची ट्रेंड लाइन यहाँ पर आती हुई दिखाई दी इसके अलावा हमने यहाँ पर देखिए एक तो और दिखाता हूँ सेंसेक्स पे हमने कुछ दिन पहले एक लाइन खींचते हुए दिखाई दी थी तो आज क्या हुआ देखिए जाने को ऊपर भी जा सकती थी बट क्या होता हुआ नजर आया देखा तो इसी के आसपास यहीं पर इसे टच करते हुए नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दी तो ये ट्रेंड लाइन की होती है ताकत ओके ट्रेंड लाइन भी इसी तरीके से काम करते हुए दिखाई देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों को जब मिला देते हैं तो और ज्यादा चार्ट पर अच्छा होता हुआ नजर आता है अब बात करते हैं सीक्रेट ट्रेंड लाइन की ओके यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा काफी बार ब्रेकआउट होता है लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है बट एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता देखिए यहाँ पर यहाँ पर सोचा होगा लोगों ने यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर से यहाँ पर सोचा होगा कि ये अप्रैल के बाद अब यहाँ पर से निकला है तो इससे नी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा बट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ ब्रेकआउट के बाद चीजें क्या होती हुई दिखाई दी नीचे आती हुई दिखाई दी और नीचे यहाँ पर लगा कि ब्रेकआउट हो गया बट ब्रेकआउट नहीं हुआ चीजें यहाँ पर इस कैंडल में नीचे आती हुई दिखाई दी बट अब मैं आपको दोबारा हम कहाँ चलेंगे दोबारा चलेंगे लाइव चार्ट लाइन चार्ट पे चले लाइन चार्ट पे यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट पे यहाँ पर देख क्या होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है सेवेंटी सिक्स तक यहाँ पर गया था बट यहाँ पर आप देखेंगे 76 पर नहीं यहाँ पर 74 पे ही आके रुक गया था तो हमारा देखिए इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या डाल रखा था यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रखी थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हुई तो यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आएगी तो ऐसा ही होता हुआ नजर आया ये लाइन क्रॉस हुई ओके तेजी होती हुई नजर आई और यहाँ पर क्या होगा चिटीरे गिरती हुई नजर आई और साथ साथ मैंने इस पे भी यहाँ पर ड्रॉ किया है तो मैंने दोनों तरीके से लिया मैंने एक शार बी को भी पकड़ा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे शारी को भी पकड़ा है एज वेल एज मैंने क्या पकड़ा है मैंने यहां पर जो इसका जो शेडो निकली हुई थी जो यहाँ पर कैंडल की शेडो निकली हुई थी जो इसने हाई बनाया था था वो भी लिया था कि यहाँ पर से अगर ऊपर जाता है तो भी तेजी होगी तो तो पर ये ये लाइन लाइन खींच रखी थी आज तो आज क्या हुआ आज ये के ऊपर गया और ऊपर जाके यहाँ पर अः यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया अब देखिए ये यहाँ पर कल इसने हाई बनाया था और मैंने आज की डेट में यहाँ पर लगा रखा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ तेजी होगी तब तक इंटरडे में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करना का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पर आप इंट्रेडिंग करते हुए नजर आते हैं इसी पे आप कैंडल वगैरह देख के यहाँ पर ट्रेड लेते हुए नजर आते हैं तो देखिए आज के दिन में यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा ऊपर निकला है बट एक्जैक्टली ऊपर नहीं निकला यहाँ पर ही आके क्लोज होता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर अब क्या होता हुआ नजर आएगा अब सिंपल यहाँ पर क्लोज हुआ है अगर इसका आज का हाई 78.5 को यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो हम तेजी करेंगे और किस कोई ऐसी कैंडल यहाँ पर ऊपर बन जाती है तो हम यहाँ पर चुपचाप बेच देंगे और फिर जब नीचे आएगा तो हम यहाँ पर खरीदने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम स्विंग भी कर सकते हैं स्विंग में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर गिरने वाला है हमें पता चल जाएगी इसके बेसिस पे कि यहाँ पर खरीदना है तो यहाँ पर खरीद भी लिया एज वेल एज यहाँ पर हमें कब बेचना है कब निकलना है और कब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है कब यहाँ पर ऐसे ही ब्रेकआउट हुआ है वो भी हमें यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आता है इसके अलावा एक चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन का चार्ट पैटर्न मैंने लिया किसी भी चार्ट पर उठाना तो आपको पता चलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यह लाइन मैंने ऑलरेडी खींच रखी है तो आपको यहाँ पर पता चलिए क्यों खींच रखी है ये लाइन तो यहाँ पर देखिए दोबारा गए हम तो देखिए यहाँ पर शार्प भी यहाँ पर बन रहा है ओके okay, और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट आपको लगा होगा यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, पर लोग काफी खरीदने के लिए हो, हो, आतुर होंगे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया बट यहाँ पर लोगों को फसाया गया और फंसा के यहाँ पर शेयर को देखिए यहाँ पर चुपचाप नीचे गिर दिया गया तो देखिए इसी के इसी को मैंने आधार बना के यहाँ पर एक लाइन खींच दी है और देखिए अब इस लाइन के ऊपर जब चलेगा ओके okay, ये जो लाइन खींची हुई है इसके ऊपर चलेगा कैंडल बनेगी तो तेजी होगी एज वेल एज तेजी कब होगी जब इसका हाई निकाल देगा तो ये दोनों हमें यहाँ पर देखने हैं तो इसी बेस पे हम इंटरडे करते हुए नजर आते हैं तो एक और चार्ट पैटर्न मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पर एल ओके okay, यहाँ पर एल जी ये शेयर है यहां पर यहां पर पर देखिए इसमें भी आपको लगा कि यहां पर हुआ बट exactly ये ब्रेकआउट नहीं होता हुआ दिखाई दिया क्या हम दोबारा यहाँ पर चले गए तो देखिए कहाँ पर क्लोज हो गया यहीं पर ही क्लोज हो गया तो ये सीक्रेट ट्रेंड लाइन होती है ये आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये चीजें सिखाती है कि आपको केवल कैंडल ही नहीं देखना कैंडल स्टिक पे ही चार्ट देखना है बट आपको सीक्रेट हंड लाइन पे यहाँ पर लाइंस खींचनी भी आनी चाहिए उसके बेसिस पे काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा अब ब्रेकआउट कब होगा ब्रेकआउट तब होगा जब इस लाइन के ऊपर चलेगा और लाइन कैसे खींची हमने लाइन खींची ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओके यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर इस लाइन के ऊपर गया इस लाइन के ऊपर गया तो हम खरीदारी करेंगे इंटर में तो इंटर करने का फ्यूचर ऑप्शन करने का सबसे अच्छा तरीका पर डे के बेसिस पे यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से खींचनी है ओके सीक्रेट ट्रेंड लाइन इसे कहते हैं कि हाँ ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया किस तरीके से यहाँ पर देखिए लगा कि ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया बट ब्रेकआउट नहीं हुआ नीचे आ गया और यहाँ पर किस बेसिस पे पता चला इस बेसिस पे पता चला तो यहाँ पर ये सारी की सारी मैं मैंने आपको सिखा दी है होप आपको चीजें अच्छी नजर आई होगी कुछ सीखा होगा और अगर आपने सीखा होगा तो याद रखिए डेली प्रैक्टिस करिए इसकी डेली यहाँ पर चार्ट बनाइए और आपको जिस जब इसे कर लेंगे तो अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर हमारी वीडियोस पर जाके कर दीजिएगा ओके एज़ वेल एज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्वेस्ट फोर एवर को और हमारे दूसरे चैनल ट्रेडिंग दिल से जिसमें हम यहाँ पर डेली वीडियो डालेंगे मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे एज वेल एज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं शॉर्ट वीडियो हम डालने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक से पूरी लिस्ट डेली वाइज तो वो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो भी आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस